बीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर है और एमपी में सबसे गर्म दतिया रहा है। दतिया में पारा 47 डिग्री की तक पहुंच गया। ग्वालियर में 45 डिग्री, खजुराहो में 44, गुना में 43, रतलाम में 44 पारा रहा है। टीकमगढ़ में 42.8 डिग्री, सीधी में 42, सागर में 42, सत्ता में 42 डिग्री रहा है तापमान। आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, सागर में गर्म हवाएं चलेंगी। छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह में भी हीटवेव चलेगी। कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना बाकी है। तो हीट वेव के साइड इफेक्ट्स क्या है? हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के साथ साथ डिहाइड्रेशन, ऐसी कई समस्याएं। गर्मी से बचने के उपाय आप क्या निकाल सकते हैं? जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, धूप में छाते का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप धूप से अपने आप को बचाए रखें। तो भीषण गर्मी का दौर है, पारा दतिया में 47 के पार जा सकता है। 47 का पार होना ये अपने आप में सतर्क और सावधान करने वाली स्थिति बनती है कि आप जरूरत से ज़्यादा अगर बाहर जा रहे हैं तो आपको कई सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो है गर्मी का दौर है और इसी तरह भीषण गर्मी जारी रहेगी। दतिया में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है, ग्वालियर का भी यही हाल है। इसके अलावा खजुराहो में भी 44 और गुना में भी अभी 40 पार पारा बना हुआ है। 45 पार लगभग हर शहर में, हर जिले में पारा जाने वाला है, इसलिए सावधानी एकमात्र विकल्प। तो मौसम बहुत गर्म है और इस गर्म मौसम में कैसे खुद को बचाए रखना है ये आपके ऊपर है कि आप किन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, अशोक शर्मा हमारे साथ दतिया से जुड़ गए हैं और दिनेश यादव रायसेन से जुड़ गए हैं, हमारे तमाम संवाददाता जो बताएंगे अभी मौसम का मिजाज क्या है। वासु, सबसे पहले मौसम का मिजाज कैसा है भोपाल में, राजधानी में? बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बीता एक सप्ताह करीब करीब होने को आ रहा है और भोपाल में लगातार तीखी गर्मी जो है वो पड़ रही है। रोजाना राइज ऑफ टेम्परेचर जैसी जो स्थिति है वो फिलहाल निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले तक जो मौसम के दोहरे रंग देखने को मिल रहे थे, यानी कि सुबह के टाइम तो तेज गर्मी रहती थी लेकिन शाम होते होते बारिश आंधी का जो दौर है वो शुरू हो जाता था, फिलहाल बीते दिनों से ऐसा मौसम भोपाल में नहीं बन रहा है, जिसके चलते राजधानी वासियों को यहाँ जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं जूझना पड़ रहा है। और मौसम विभाग का जिस तरह से अलर्ट है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा राइज ऑफ टेम्परेचर जो है देखने को मिलेगा, नौतपा भी मई के महीने में जो है वो आने वाले हैं, तो उसमें भी लगातार तीखी गर्मी से लोगों को जूझना पड़ सकता है, दो चार होना पड़ सकता है। और लू लपेट भी लगातार अब चल रही है, क्योंकि पहले जो सिस्टम्स बन रहे थे, वेदर सिस्टम बन रहे थे, कम दबाव के क्षेत्र बन रहे थे, उसके चलते कई जगहों पर बारिश जैसी स्थिति बन रही थी और भोपाल में भी हमने देखा कि छुटपुट बारिश जो है वो कई इलाकों में दर्ज की गई। लेकिन फिलहाल अब ऐसा कोई मौसम जो है वो मध्य प्रदेश के सेंट्रल हिस्से में तो फिलहाल एक्टिव नहीं है, जिसके चलते बारिश हो या आंधी तूफान जैसी स्थिति बने तो लोगों को अब सीधी गर्मी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और राजस्थान की ओर से जो गर्म हवाएं आ रही हैं वो मध्य प्रदेश का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ाएंगी। खासतौर पर अगर बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की तो वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को तेज गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है प्रदेश का वो भी इसी इलाके में दर्ज हुआ है। जी ठीक है, हमारे साथ अशोक शर्मा भी हैं दतिया से। अशोक, दतिया में तो पारा 47 के पार, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है? पठारी इलाका है तो सर्दी के मौसम में यहाँ रिकॉर्ड सर्दी पड़ती है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ पर सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक जिला जो है जो दतिया अधिकांश समय ये रहता है और यहाँ 45-46-47 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान रहता है। तो कह सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे लू चलने लगती है, जो
हीट वेव है उनसे लोगों की हालत खराब रहती है। हीट स्ट्रोक के मरीज भी यहाँ पे रोजाना जिला अस्पताल में पहुँच रहे हैं। तो कह सकते हैं गर्मी से लोगों का बहुत बुरा हाल है और मौसम विभाग का एक अनुमान है उसके अनुसार आने वाले समय में यहाँ पर और गर्मी बढ़ने वाली है। ठीक है, बने रहिए। अशोक राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से, लेकिन उससे पहले मैं रायसेन जाऊंगी दिनेश जो कि बने हुए हैं। दिनेश, रायसेन में गर्मी कितनी ज्यादा भयानक है और अभी राहत कब तक मिल पाएगी? बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं जिस तरह की बात की जाए मई का महीना लगता है, मई से जून के बीच में जो काफी गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी हम बात करें तो गर्मी उफ ये गर्मी लोगों को यहाँ पर गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। लगभग अभी समय यहाँ पर काफ़ी है और बात करें जिस हिसाब से यहाँ पर गर्मी को लेकर, तो जिस हिसाब से मैं आपको बता दूं अंशिका, जब से कोरोना काल का समय आया तो जिंदगी में लोगों के कई तरह के बदलाव आ गए हैं, कई तरह की लोगों की बॉडी में बदलाव आ गए हैं। तो फिलहाल मैं गर्मी को देखते हुए यहाँ पर बचाव करके जो थे अपने आप को चेहरा ढक के चलें और कहीं ना कहीं गर्मी से बच्चे साथ ही जूस वगैरह लेते रहें और जो है कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी कहता है कि हल्के रंग के कपड़े पहने, ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े ना पहने, धूप में जाए तो अपना चेहरा ढक के चलें, हाथ वगैरह जो है वो जो टू व्हीलर पर चलते हैं वो यहाँ पर ढक के चलें कि जिनकी त्वचा में कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन गर्मी से स्पष्ट रूप से यहाँ पर लोगों को मैं अभी राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अभी नौतपा लगेंगे जिस हिसाब से मई के महीने में जो गर्मी का पारा बढ़ता है वो यहाँ पर लगातार यहाँ बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोगों को जिस हिसाब से पथरीला इलाका हो रहा है, पहाड़ी वाला इलाका होता है, वहाँ पर जहाँ ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है गर्मी को लेकर क्योंकि तपन ज़्यादा अधिक होती है। लेकिन जिस हिसाब से कृषि क्षेत्र का थोड़ा सा एरिया होता है जिसमें अभी हाल ही में मूंग की यहाँ पर फसलें लगती है, थोड़ा सा वहाँ पर राहत मिलती है। लेकिन कई इलाकों में जो है गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोग अधिकतर दोपहर के समय में जो है कहीं ना कहीं सन्नाटा शहरों में नगरों में जो पसर जाता है और शाम के टाइम या सुबह के टाइम ही यहाँ पर मार्केटों में यहाँ पर रौनक दिखाई देती है। तो कहीं ना इस स्पष्ट रूप से यहाँ पर गर्मी को लेकर लोगों की चिंता है और अधिकतर लोग ये है कि जो कोई ज़रूरी काम हो तभी लोग घर से निकले, नहीं तो धूप में बच्चे घर में रहें अपनी तमाम तरीके की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। तो गर्मी का जो मौसम है जो यहाँ पर जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है जैसे जैसे लोगों की यहाँ पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। ठीक है, बने रहिए। राजीव रावत भी जुड़े हैं। राजीव, टीकमगढ़ में पानी की किल्लत कई गांव में हमने देखा है इससे पहले भी, लेकिन इस गर्मी में लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। टीकमगढ़ का मौसम कैसा है और राहत कब तक? देखिये, पूरा बुंदेलखंड इलाका इन दिनों गर्मी की तेज तपन से ताप रहा है क्योंकि गर्मी का असर काफी तेज है और पूरे बुंदेलखंड के इलाके टीकमगढ़ में भी पारा इन दिनों 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में दिन में यहां पर सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रही हैं, तेज लू के थपेड़े चल रहे हैं जिससे लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गर्मी के कारण सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है क्योंकि जिला अस्पताल में सबसे ज़्यादा बच्चों की जो मरीज हैं उनकी संख्या देखी जा रही है क्योंकि बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं, गर्मी के चलते लोग परेशान हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं। तो इन दिनों अस्पताल में भी जो मरीजों की संख्या है वो काफ़ी तेज हो गई है और लगातार ओपीडी में 1000 से लगभग 1200 मरीज सुबह से यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उल्टी दस्त और इसके लोग शिकार हो रहे हैं, पेट दर्द जैसी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की समस्या तो है ही ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन पारा भी काफ़ी तेज ऊपर जा रहा है जिसके कारण अब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिन में यहाँ पे सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रही हैं क्योंकि दिन में तेज गर्मी होने के कारण अब लोग घर में ही रहते हैं और सुबह शाम ही सड़कों पर लोग नजर आते हैं। यानी अभी कोई राहत नहीं है होगी लोगों को गर्मी से, इसलिए उन्हें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रही हैं। मुंबई की एक महिला श्रद्धालु ने उज्जैन कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने महाकाल मंदिर के पुरोहित पर भस्म आरती में शामिल होने के लिए 1500 रुपए मांगने का आरोप लगाया। महिला ने इसका ऑडियो भी सौंपा है। ऑडियो मिलते ही उज्जैन कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा को मामले की जाँच सौंपी है।
जानकारी चाहिए, तो मैंने राजेंद्र जोशी जी को फ़ोन लगाया जो महाकाल मंदिर में पुजारी जी हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो 200 का टिकट है, 200 या 250 कुछ है उसका रेट है, ऑनलाइन सरकार ने तय किया है, तो उन्होंने बोला कि हमें उसके 1500 देने होंगे। मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई ये सुनकर कि ऐसा क्यों है, 1500 क्यों है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 1500 इसका क्यों मांग रहे हो, ये 200 या 250 का टिकट है, भले 500 हो सकते हैं, 700 पर 1500 क्यों। तब वो बहुत गुस्सा हो गया मेरे ऊपर और उन्होंने बोला फ़ोन रख दो, आपको देना है तो दो या फ़ोन रख दो। मुझे समझ में नहीं आया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये समस्या कई लोगों के साथ हो। ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है, इसको प्रशासन को भेजा गया कि वो जाँच करें और अनाधिकृत रूप से ऐसी राशि की मांग की जाती है तो उसमें कार्रवाई भी करें। इसके अलावा पूरी टीम द्वारा रेगुलर चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं कि आकस्मिक रूप से जो भक्त बैठे हैं नंदी हॉल में या फिर भस्मारती के दौरान, तो उन पर आकस्मिक रूप से चेक भी करें और उनसे पूछें कि उनके द्वारा। और खबर दमोह से है, लेकिन इससे पहले क्योंकि आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं लेकिन उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है, ये पूरा मामला बताइए कि कैसे लोग पैसा मांगते हैं दर्शन के नाम पर। जी देखिए, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अधिक से संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, पर हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि भगवान महाकाल के अच्छे से दर्शन हो और हर श्रद्धालु चाहता है कि भगवान महाकाल की भस्म आरती भी हो। लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर जो सातिर महाकाल मंदिर के जो ठग हैं और मंदिर से लेकर जो बाहर दुकानदार और ऑटो चालक से लेकर होटल संचालक तक जो है इसमें सम्मिलित रहते हैं, उन सबकी मिली भगत के साथ ही जो है श्रद्धालु के साथ ठगी की जाती है। इतने मामले कई बार सामने आए हैं लेकिन इस बार फिर जो है मुंबई की रहने वाली मधु ने कलेक्टर से शिकायत की है और उन्होंने बताया कि महाकाल मंदिर के जो पुरोहित है राजेंद्र गुरु, उनके द्वारा जो है भस्म आरती के नाम पर 200 की जगह 1500 रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने पूछा कि 200 रुपए किस बात की मांग रहे हैं आप, 200 रुपए जब भस्म आरती की परमिशन के लिए जाते हैं तो 1500 रुपए किस बात के मांगे जा रहे हैं, तो इस बात पर जो है राजेंद्र गुरु उस पर भड़क जाते हैं और इस बात पर फोन काट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आम श्रद्धालु के साथ जो ठगी हो रही है और महाकालेश्वर मंदिर में बार बार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन का खौफ जो है वहाँ के पंडित पुजारी हो या फिर मंदिर के बाहर जो छात्र ठग हैं, इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कार्रवाई तो होती है, जेल चले जाते हैं, FIR हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी काला बाजारी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और भोली वाली जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ लगातार ठगी की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। दमोह की बात करेंगे जहां ऐतिहासिक बरांडा गेट भरभरा कर गिर गया। पुरातात्विक महत्व का बरांडा गेट गिर गया। मलबे के नीचे मजदूरों के दबे होने की आशंका है। एक मजदूर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। JCB जो है वो निर्माण कार्य कर रही थी। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए JCB यहाँ पर खड़ी थी और यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो चल रहे थे, लेकिन अचानक से एक ऐसा हिस्सा गिरा जिसकी वजह से बाकी का जो पूरा गेट है वो भी भरभरा कर गिर गया। हालांकि कितने लोग दबे हैं ये तो कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन एक मजदूर जो दबे हुए थे जिन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती किया गया। JBC से बरंडा तोड़ा जा रहा था, उस बरंडा को तोड़ने से बरंडा पूरा नीचे गिर गया और जेसी में बैठा आदमी अभी की जो कचू लगा भाई मुझे पता नहीं। ये काम किसका चल रहा था? एक स्वप्निल बजाज का। कितना समय हुआ काम होते? इसको हो गए 3 महीना से ऊपर हो गए। कोई रोक टोक प्रशासन की कोई कारण? कोई रोक टोक नहीं। ये दमोह क्षेत्र की एक पुरानी बिल्डिंग है जो यहाँ की धरोहर मानी जाती है, इसको बरांडा के नाम से बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग। जो अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता लगा है कि इस बिल्ड के इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसकी तस्दीक अभी की जा रही है कि वो वैधानिक रूप से कितना कार्य कर रहे थे और कितना भी उसमें नगर पालिका के नियमों के अंतर्गत क्या उसमें अवैधानिकता थी, उसकी तस्दीक अभी की जाएगी। उसके चलते ये एक दुर्घटना हुई है जिसमें अभी तक जो सूचना मिली है इसमें एक ऑपरेटर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसको कुछ चोट लगी है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है।
उसके अलावा किसी और के चोटिल होने के या हताहत होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। और अब खबर खंडवा से है, जहां गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। पराली जलाने के दौरान आग भड़की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। खेत के पास की कॉलोनी के लोग अब दहशत में है। ये तस्वीर आप देखिए, खेत में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गर्मी के मौसम में जंगली जानवर भोजन पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर जा रहे हैं। पेंडरा में सड़क किनारे एक भालू नजर आया। भोजन की तलाश में यह भालू यहां आया हुआ है। सड़क पार करने के दौरान राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो मरवाही के पिपरिया गांव का बताया जा रहा है। और ये भालू जो कि भोजन और पानी की तलाश में जंगल से रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां कलेक्टर ने अफसरों को एक नोटिस जारी किया है। और खैरागढ़ तहसीलदार, गंडई तहसीलदार और जालबांधी के नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया गया है। 6 राजस्व निरीक्षक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैठक में अनुपस्थित रहने की वजह से ये नोटिस जारी किया गया है। खैरागढ़ कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने कार्रवाई की है। मुंगेरी में धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां डीओ की अनुमति के बिना ट्रक में धान मिला है। जांच में 2500 क्विंटल से भी ज्यादा धान गायब बताया जा रहा है। अवैध तरीके से जो है धान का उठाव हुआ है। खरीदी केंद्र प्रभारी पर गड़बड़ी का आरोप अब लग रहा है। बिलासपुर में राजस्व निरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। आरआई संतोष कुमार देवांगन सस्पेंड कर दिए गए। एसीबी ने कल गिरफ्तार किया था। 1 लाख की घूस लेते उन्हें पकड़ा गया था। सीमांकन के लिए 1.5 लाख की घूस उन्होंने मांगी थी और 1 लाख की घूस लेते पकड़ा गया है। राजनांदगांव में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं में युवक की लाश मिली। बोरे में लिपटी हुई युवक की लाश मिली है। घुमका थाने के विजेतला गांव में ये लाश मिली है और अब इसमें जांच चल रही है कि आखिर इस लाश मिलने के पीछे की मिस्ट्री क्या है। युवक की लाश कुएं में मिली। शिवपुरी जिले में पीडीएस घोटाले का अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक ओर जहां मृत व्यक्तियों के नाम से राशन बांटा जा रहा है, तो वहीं जीवित जरूरतमंदों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है। मामला शिवपुरी जिले की कोलारस अनुविभाग के ग्राम पंचायत चंदौरिया का है। इस पंचायत के 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी राशन मिल रहा है। पीडीएस के पोर्टल पर मृतकों के नाम दर्ज होने के बावजूद इनके परिवार के लोग आराम से राशन ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिवपुरी जिले की कई पंचायत ऐसी भी हैं जहां के रहवासियों को राशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्हें 1 से 2 माह छोड़कर राशन मिल रहा है। इस मामले में जब विधायक देवेंद्र जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।